माता नर्मदा की इस भूमि जबलपुर संस्कार धानी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहां पर विराजित देवी माँ रंग बदलती हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जबलपुर के कमानिया गेट में स्थित माता मकरवाहिनी के नाम से प्रसिद्ध देवी माता यहाँ पर दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है, जिसमें सुबह के समय वह बच्चों की अवस्था में रहती है, दोपहर के समय वह युवा अवस्था में रहती हैं और शाम के समय वह वृद्ध अवस्था में लोगों को दिखाई दी गई हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस बात का पता लगाने हम पहुंच गए जबलपुर के कमानिया गेट में स्थित माता मकरवाहिनी के इस मंदिर में। और मंदिर में पहुंचते ही हमने माता के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रबंधक से और वहां मौजूद लोगों से इस बारे में चर्चा करना शुरू किया। मकरवाहिनी, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, मकर मतलब मगर, उन पे बैठने वाली, मतलब माँ नर्मदा की आप प्रतिमा पीछे देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक है, 11वीं सदी की है और राष्ट्रीय पुरातत्व तो उसमें ये इनका उल्लेख है बाकायदा। और ये अपने आप में स्वयं चमत्कार प्रतिमा है, दिन में 3 बार स्वरूप बदलता है माता का। इस परिसर पर ये बैठी हैं तो इस परिसर का भी इतिहास है कि इस जगह पर 7 कुएँ हैं और 7 कुएँ के ऊपर एक पर स्वयं माँ बैठी हैं, एक को हम लोगों ने रखा है, बाकी को हम लोगों ने पैक कर दिया सुरक्षा की दृष्टि से। और यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं इसके नीचे भी एक कुआ है, यहाँ इन कुओं को हम लोगों ने बंद कर दिया है। इनको आप टेस्ट कराएंगे आरओ को नर्मदा जल से समकक्ष ही मिलता है लगभग। भगवती का ऐसा प्रताप है कि दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में तो हमें यह भी पता चला कि जिस जगह पर यह मंदिर बना हुआ है, जिस जगह पर माता विराजित है, उस जगह पर 7 कुएं बने हुए हैं, जिनमें से 6 को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए बंद कर दिया गया है, जबकि एक कुएं को आज भी चालू रखा गया है। इसके अलावा जब हमने मंदिर में लोगों से पूछा कि किस प्रकार से देवी माँ यहाँ पर अपना स्वरूप बदलती हैं, अपना रंग बदलती हैं, तो उन्होंने पहले तो कैमरे में बताने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में लोकल 18 के कैमरे को उन्होंने सब बता दिया। माँ का स्वरूप आप देखा जाएंगे तो चमत्कार, ज्यादा कैमरा ऑन कैमरा तो बताना ठीक नहीं माँ का, क्योंकि वो धर्म की और माँ की भी अवमानना है थोड़ा सा। पर लेकिन मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आप सुबह आके यदि इनके दर्शन करेंगे तो इनके चेहरे पे आपको कुछ और स्वरूप मिलेगा, दोपहर में दर्शन करेंगे तो कुछ और स्वरूप मिलेगा, और रात्रि में आएंगे आपके दर्शन कुछ और हल्का सा आपको बदलाव मिलेगा। मतलब सुबह युवावस्था, दोपहर में प्रौढ़ावस्था और रात में वृद्धावस्था की ऐसी झलक हम लोगों ने यहाँ देखी है। कुछ एक चमत्कार ऐसे हुए हैं कि कई बार जब सुंदरकांड हम लोग यहाँ रेगुलर पहले करते थे, हर मंगलवार को माँ को सुंदरकांड सुनाते थे रात में, जब किसी समय हम लोग यहाँ सुंदरकांड मतलब ये करना भूल गए या कुछ कारणवश जैसे कभी शहर में कर्फ्यू लगा, कुछ लगा, सुंदरकांड से नहीं हो पाया, तो उस दिन यहाँ माँ भगवती के पीछे यहाँ सामने अंदर बंदरों की उपस्थिति हो जाती थी अपने आप। मंदिर में माता मकरवाहिनी की यह प्रतिमा लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसमें लगभग सारी योगिनियों की तस्वीर है, हनुमान जी की तस्वीर है और माता मगरमच्छ पर बैठी हुई है। ऐसी अद्भुत प्रतिमा माता की पूरे भारत में एक ही है। माता के इस चमत्कार को लेकर हमने बारी बारी मंदिर में मौजूद और भी लोगों से बात की। देवी माँ यहाँ पर अपना स्वरूप बदलती है, ऐसी काफी कथाएं हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए वैसी दृष्टि भी होना चाहिए। आपने देखा है? अब हम लोग तो देखते हैं, सेवा में लगे ही हैं, 45-46 साल हो गए, 47 साल हो गए हैं। आपके सामने माता ने स्वरूप बदले? हमारे सामने नहीं बदले, लेकिन हम लोग जब देखते हैं, ऐसा सुबह देखते हैं तो बाल रूप में नजर आती हैं उनका चेहरा, और दोपहर में देखते हैं तो युवावस्था, और रात में देखते हैं तो प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे लगता है। तो उसके लिए तो आपके मन में वैसे श्रद्धा होना चाहिए और उस नजर से आप देखिए तो जरूर देखेंगे। मतलब आप माता के बदलते हुए स्वरूपों को देखने के लिए, रंगों को देखने के लिए आप में वैसी श्रद्धा भाव, वैसी भक्ति होना चाहिए। एक भक्त ही अपनी माँ के बदलते हुए स्वरूप यहाँ पर देख सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं उस कुएं की जो बताया जाता है कि उसी शताब्दी से यहाँ पर मौजूद है। हम पहुँच गए हैं आज जबलपुर संस्कार धानी के पानतरीवा क्षेत्र में स्थित माता मकरवाहिनी के इस ऐतिहासिक मंदिर में। यहाँ पर आप मेरे पीछे माता की जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा बताई जाती है कि 11वीं शताब्दी से यहाँ पर है और सैंडस्टोन से इस प्रतिमा का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। इसको लेके कई कथाएं हैं कि बताया जाता है कि माता का जो स्वरूप आप अभी देख रहे हैं, अभी आप काफी
व्यस्त स्वरूप माता का देख रहे हैं, लेकिन आप सुबह आएंगे तो आपको एक बच्चों वाला स्वरूप देखने मिलेगा, और अगर आप शाम के समय आएंगे तो माता का बूढ़ों वाला स्वरूप देखने को मिलेगा। कुल मिला के कहा जाए तो माता तीन समय में तीन स्वरूप बदलती है। और कहा जाता है कि अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सात कुएं हुआ करते थे। अभी इनमें से एक कुएं के बारे में आपको बताऊंगा। आप ये कुआं खुला है, बताया जाता है कि यहाँ सात कुएं थे, उनमें से एक कुआं अभी खुला है। यहाँ पर नर्मदा जितना स्वादिष्ट जल आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुएं के 11वीं शताब्दी के वह पत्थर यहाँ से साफ दिखाई देंगे, जिनके बारे में कहा जाता है तब से यह पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं। और कुल मिला के ऐसे सात कुएं इस पूरे मंदिर पर हैं, और एक के ऊपर माता खुद बैठी हुई हैं। लोकल 18 के साथ भरत तिवारी, जबलपुर।